नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पपीता खाने के फायदों के बारे में। प्रकृति में हर फल का फ्रूट का अपना अलग ही फायदा होता है, अलग अलग विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फायदा पपीता खाने का है पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में। 30 ml कच्चा पपीता का जूस निकाल लें और थोड़ा हनी शहद ऐड कर दें और दिन में एक बार पिएं रोज एक हफ्ता के लिए। यह बहुत फ़ायदेमंद जूस है जिससे पेट और आंतों के कीड़े निकल जाते हैं। बॉयल भी कर सकते हैं कच्चा पपीता को और जो जूस बनेगा वैसे भी पी सकते हैं आप। पेट के कीड़ों को ख़त्म करने का ये नेचुरल तरीका है। अगला पपीता खाने का फ़ायदा, मासिक धर्म अनियमित हो जिन महिलाओं का, मतलब मेंसेस जिनका इरेगुलर डेट पे आता हो। डेली कच्चा पपीता खाने से मेंसेस का साइकिल ठीक होता है और समय से आता है। कच्चा पपीता एक गर्भाशय यूट्रस का टॉनिक कहा जाता है, लेकिन पपीता को प्रेगनेंसी के दौरान ना खाएं। खास तौर पे आखिरी के 6 महीना प्रेगनेंसी के महिलाओं को पपीता नहीं खाना है। अगला फायदा है डेंगू फीवर, जो कि आजकल बहुत फैला हुआ है और इसमें पपीता का सेवन लोग कर रहे हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। पपीता के पत्ती का जूस बना लें और 10 से 20 ml पिए रोज, 3 से 4 बार दिन में पीना है। ऐसा करने से नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आ जाती है और डेंगू फीवर भी कम होता है। होम्योपैथी दवाई में करिका पपाया क्यू कहते हैं, जो कि पपीता से ही बनती है दवाई। होम्योपैथी में पपीता से बनती है करिका पपाया का मदर टिंचर। यह भी होम्योपैथिक दवाई आप ले सकते हैं, करिका पपाया क्यू का मदर टिंचर। सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेना होता है करिका पपाया का मदर टिंचर, प्लेटलेट बढ़ाता है काफ़ी जल्दी। अगला फायदा पपीता खाने का है फेस पिगमेंटेशन। पका हुआ पपीता का पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा मिल्क ऐड कर दें और इसको पेस्ट को चेहरे पे लगाएं। यह बहुत अच्छा नेचुरल फेस मास्क का काम करता है। यह स्किन को मॉइस्चर प्रदान करता है और पिगमेंटेशन जो चेहरे पे हो जाता है उसको भी क्लियर करता है। पपीता, पका हुआ पपीता का फेस मास्क आप यूज़ करें और उससे आपकी झुर्रियाँ, झाइयाँ, ब्लैकनेस दूर हो जाती है। अगला फायदा है पपाया खाने का आंखों की बीमारी में। पपाया पपीता फ्रूट में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और कैरोटीन होता है, जो कि कोई भी आंखों की बीमारी को रोकता है और ठीक भी करता है, चाहे वो विजन की प्रॉब्लम हो या एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेटिव डिजीज हो। इस बीमारी में बुजुर्ग अवस्था आते आते विजन धुंधला होने लगता है, रोशनी कम होती जाती है, लेकिन रोज पपीता फल खाने से आप इसको रोक सकते हैं और आंखों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगला फायदा है पपाया का डायसेंट्री में पेचिस। पेचिस में भी पपीता खाने का अच्छा रोल है। 3 ग्राम पपाया का बीज का पाउडर बना लें और मिक्स करें उसको थोड़े से गुनगुने पानी में और रोज सुबह शाम लें खाने से पहले। इससे पेचिस पड़ना भी रुक जाता है और पेट का हाजमा ठीक रहता है। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।